देखिए, स्केटिंग का ये हमारा सेकंड डे है। पहले दिन में हम खड़ा होना लगभग सीख गए थे, तो आज भी हम खड़ा होना और थोड़ा सा चलना सीखेंगे। हाँ, स्केटिंग में मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो मुझे रूट नहीं मिल रहा है, क्योंकि रूट जो है, देखिए आप, ये स्केटिंग का ही ग्राउंड है, लेकिन ये क्या है, बरसात की वजह से पूरा स्लिपरी हो रहा है, तो इसमें पैरों को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा चीज़ पहले पहना हुआ हूँ, अपना जो हेलमेट है वो भी पहना हुआ हूँ अपने घुटनों पर, जो सेफ्टी के लिए बाइक राइडिंग वाले नी सेफ्टी है वो भी मैं पहना हुआ हूँ बाइक राइडिंग का, क्योंकि मैं अभी बजट नहीं है तो अगले मंथ ख़रीदूँगा, 2,000 रुपये 2,500 का जो भी सेफ्टी गैजेट्स आएगा। और एक जैकेट भी है जो बाइक राइडिंग वाला ही है, उसमें भी सेफ्टी के लिए कॉनी और कंधों के लिए सेफ्टी के लिए होता है, वो भी मैं पहना हुआ हूँ, क्योंकि उसके लिए भी बजट नहीं है, तो अब नेक्स्ट मंथ ख़रीदेंगे उनको। क्योंकि इसी मंथ में MF 500 जो स्केटिंग का शूज़ आता है डिकैथलॉन से, वो 7,999 जो इसका MRP रहता है, 7,999 का वो वाला लिया हूँ, ताकि थोड़ा बहुत इस मंथ सीख सकूँ, और फिर नेक्स्ट मंथ है थोड़ा सेफ्टी गैजेट भी ले लेंगे। तो देखिए, ये स्लिपरी हो रहा है, पूरा स्लिपरी हो रहा है, मतलब उसमें सेट नहीं होता है अच्छे से। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए कि कुछ सीख पाते हैं नहीं सीख पाते हैं। ये डे 2 है और देखते हैं कितने दिन में हम सीख पाते हैं। आज जो हमने प्रैक्टिस की थी वो सिर्फ 30 मिनट के आसपास प्रैक्टिस की थी, और पहले डे भी हमने 15-20 मिनट ही प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज मैं रेस्ट लगा दिया हूँ, तो पहले मैं 31 अगस्त को प्रैक्टिस किया था, फिर 1 सितंबर को, अभी 3 सितंबर को रेस्ट लगा के आज मैं 2-3 घंटे शायद हो सकता है प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ताकि थोड़ा बहुत मैं मूवमेंट करना सीख जाऊँ, चलाना सीख जाऊँ, क्योंकि अभी चलाना नहीं सीखा हूँ मैं, लगभग लगभग खड़ा होना ही सीखा हूँ, इंडिपेंडेंट में खड़ा हो सकता हूँ बिना किसी सहारे के, बस उतना ही अभी सीखा हूँ। बाकी अलग अलग 2-3 लोकेशंस पर मैंने यहाँ पर ट्राई किया। एक लोकेशन तो आपको ये दिख रही है कि स्केटिंग का ग्राउंड है प्रॉपर, दूसरा इसके पास में ही, स्केटिंग ग्राउंड के पास में ही ये खुरदरी जगह है, यहाँ पर मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ चलने की, ट्राई करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब लग रहा है कि मैं चल पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, पैरों को उठा उठा के, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ पैरों को, मैं थोड़ा थोड़ा ही उठा पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा तो सीख जाऊँगा। बाकी गिरना तो है ही, गिरते तो हैं ही हैं, सभी गिरते हैं, मैं भी 4-5 बार तो गिर जाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान आपका इधर उधर हो जाता है तो आप गिर जाते हैं, देखिए मैं गिर गया हूँ वैसे, तो वो आपको देख लेना है कि, और ये है कि आपका कॉन्फिडेंस अगर रहेगा, सेफ्टी आपने प्रॉपर तरीके से पहनी हुई है, तो आप सीख जाएंगे लगभग लगभग। मैं देखता हूँ कि कितने दिन में सीख पाता हूँ, मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, या फिर 10-15 दिन लगेगा, मतलब चलना कब कब तक सीखूँगा मैं, देखते हैं। अभी चलना मैं सीखा नहीं हूँ, खड़ा होना सीखा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि जो पैरों का मूवमेंट है, जैसे क्योंकि मैं कोई क्लास फिजिकली तो लिया नहीं हूँ, यूट्यूब पर ही देखा हूँ कि कैसे कोई भी शेप में बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, तो सब सबका वीडियो देख के जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए काम कर सकता है, उसको मैं यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड लोकेशन आ जाती है, ये गार्डन वाली लोकेशन है, तो देखिए यहाँ पर पूरा राउंड है, राउंड मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही मैं गिर जाता हूँ, देखिए खतरनाक वाला गिर जाता हूँ, क्योंकि ये अभी मैं चलाना तो सीखा नहीं हूँ, लेकिन ये ढलान था और ढलान पर स्पीड स्केट ने पकड़ लिया और मैं पीछे की साइड गिर गया। कभी भी कोशिश करना है कि आपको स्केटिंग सीखते समय पीछे की साइड नहीं करना, क्योंकि पीछे की साइड आपके कंट्रोल सारे ख़त्म हो जाते हैं, आप हाथों को भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते, और बैक बोन आपकी टूट सकती है, और इंजरी का जो चांसेज है वो पीछे की साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, आगे की साइड उतना इंजरी के चांसेज कम रहते हैं, क्योंकि आगे की साइड आपका आप घुटने टेक सकते हैं, कॉनी टेक सकते हैं, और हाथ भी आप यूज कर सकते हैं, अपनी हथेलियों का भी इस्तेमाल करके आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बच सकते हैं, लेकिन पीछे की साइड जब आप गिरते हैं तो आपके पास में इस तरीके का कोई कंट्रोल नहीं रहता, आप अपनी हथेलियों का भी यूज करेंगे तो उनमें भी चोट लगने की संभावना है, वो बढ़ जाएगी। तो स्केटिंग सीखते समय या स्टार्टिंग में आप ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें जितना हो सके उतना आगे की तरफ गिरने की कोशिश करें, जब भी अगर गिरना है, गिरने की संभावना है, तो आपको हमेशा और हमेशा प्रेफर करना है आगे की तरफ, कोशिश करना है गिरने की, अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप धीरे धीरे है वो सीख जाते हैं। जैसे कि आपने कभी स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीखा होगा तो
ब्रेक लगाने की जगह आप रेस खींचते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे है वो प्रैक्टिस हो ही जाती है। तो उम्मीद है कि मुझे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और धीरे धीरे मैं सीख पाऊँगा। तो अभी सेकंड डे में थोड़ा थोड़ा चल पा रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में आपको पर डे या जिस डे वाइज मैं आपको यहाँ पर चैनल पर वीडियो डालूँगा कि क्या इम्प्रूवमेंट रहा है। जैसे कि आज मैं प्रैक्टिस करने जाने वाला हूँ 2-3 घंटे, तो आज मेरा डे थर्ड रहेगा। ये डे सेकंड के वीडियो हैं जो कि 3 क्लिप हैं, 3 लोकेशन पर शूट किया हूँ मैं। तो आज हो सकता है कि मैं मेन रोड जो रहेगा, खाली रोड, उस पर प्रैक्टिस करूँ ताकि थोड़ा सा चलाना सीख जाऊँ, या कुछ अच्छी सी लोकेशन देख के वहाँ पर प्रैक्टिस करूँगा मेन रोड पर, जहाँ पर साधन ना चलते हों, क्योंकि यहाँ पर सारा है बरसात की वजह से स्लिपरी स्लिपरी हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और दूसरा मैंने क्या किया था, ये जो स्केटिंग शूज लिए थे MF 500, इनको पहले खोल दिया था, मतलब इसका नीचे का पार्ट है पहले खोल दिया था, और उसको मैं क्या है बाइक राइडिंग के लिए लेके गया था। तो बाइक राइडिंग के लिए लेके जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा वो पार्ट है वो डैमेज भी हो गया है, लेकिन फिर भी है कि वापस से कस के मैं नॉर्मल कर दिया हूँ उनको। तो ओवरऑल भाई सीखने में अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो सीखने में मज़ा तो आएगा, गिरने का डर भी रहेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक बार सीख जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक्सरसाइज टाइप में भी हो जाता है ये, कि आपके मूवमेंट, बॉडी का हर पार्ट का मूवमेंट इसमें होता है, तो अलग से आपको उतना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से थोड़ा बहुत वार्म अप करके आप डेली 15-20 मिनट आधे घंटे है वो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और बाकी नई टेक्निक, नई स्किल सीखना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ है वो खुशी का माहौल देता है, तो ये अपने अपने तरीका होता है लाइफ को जीने का, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में क्या सीखना है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो, बजट वगैरह आपको देख के उस हिसाब से आपको ट्राई करना है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप 8-10 हज़ार का कर्ज लेकर के अगर आप स्केटिंग शूज ले लेते हैं और फिर वो कर्ज बढ़ता जाए और आपका आप फिजिकल चीज़ें इम्प्रूव करने के चक्कर में आप मेंटली चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब कर ले, क्योंकि कर्ज बढ़ जाएगा तो आपके माथे पर टेंशन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी आपको, फैमिली कंडीशंस, फैमिली सिचुएशंस, बजट, अपना जो हेल्थ सिचुएशंस हैं वो सारी चीज़ें देखते हुए ही आपको लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। तो बाकी चीज़ें हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि आगे हम क्या सीख पाते हैं क्या नहीं सीख पाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। इस चैनल पर आपको स्केटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, बाइक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, जो भी लाइफ में मेमोरी होती है, जिस टाइप की मेमोरी होती है जीवन में उस टाइप के आपको वीडियो है मिलेंगे। बाकी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और कंप्लीट वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। बाकी हम आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, बाकी चीज़ें हम कल देखते हैं, कल या परसों जब भी टाइम हमें मिलेगा तब देखेंगे, और तब का हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, मतलब डे बाय डे हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है या डिक्रीज होता है वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहे जब भी आप स्केटिंग सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें हैं वो हेल्प करेंगे। तो अभी तो मैं रियल लाइफ का सिचुएशन दे रहा हूँ कि रियल लाइफ में मैं किस तरीके से स्केटिंग सीख रहा हूँ, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बना रहे, जब आप स्केटिंग ट्राई करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहे। धन्यवाद।